जरूर सिंह जी। युवराज, युवराज, अरे रुको, युवराज, क्रू सिंह जी, राजकुमारी चंद्रकांता की जान खतरे में है। क्या कह रहे हो तुम नाज़िम? जी हुजूर, राजकुमारी चंद्रकांता जी की जान खतरे में है हुजूर, उन्हें हमारी मदद की जरूरत है। चलिए नाज़िम, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? लगता है तुमने कुछ ज्यादा ही पी ली है। इधर देखो, राजकुमारी यहां बैठी हुई है। राजकुमारी चंद्रकांता तो यहां बैठी है, तो मैं वहां किसे देखा? यहां तो वहां। नाज़िम, क्या बड़बड़ा रहे हो? हुजूर, हम सच कह रहे हैं, हमने वहां राजकुमारी चंद्रकांता को देखा। उन पर कुछ लोगों ने हमला किया है हुजूर। रोड सिंह, ये नाज़िम को लेकर जाओ। जी हुजूर। अहमद, युवराज बात सुन। अरे क्रू सिंह जी, मैं सच कह रहा हूँ। क्रू सिंह जी, युवराज लगता है राजकुमारी जी किसी खतरे में, हमें जाना होगा। रुक जाओ। नाज़िम, राजकुमारी जी किस खतरे में है? कहाँ है वो? आप क्या पूछ रही हैं राजकुमारी? अरे आप तो यही है हमारे सामने, तो फिर ये कहीं ये चंद्रकांता की अय्यारा तो नहीं? कौन हो तुम? हमने पूछा कौन हो तुम? तुम्हारी नहीं ब्रज, कृपया इस वक्त अपने गुस्से पर काबू कीजिए। एक अय्यार को माना राजधन के विरुद्ध है। इसका फैसला हम बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर राजकुमारी वाकई खतरे में है तो उन्हें हमें पहले बचाना चाहिए। सही कहता है तेज सिंह। नहीं, हमें उसकी कोई परवाह नहीं है, वो मरते तो मरे लेकिन इसको हम नहीं। युवराज, वो हमारी मेहमान है और उनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी। युवराज, आपको हमें जो भी सजा देनी है वो हमें मंजूर है, लेकिन अभी हमें राजकुमारी जी को बचाने जाने दीजिए।
ये जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, क्योंकि नौगढ़ और विजयगढ़ के बीच दुश्मनी का बीज पड़ गया है। हमें क्षमा कर दीजिए, लेकिन इस वक्त राजकुमारी जी की रक्षा कीजिए। चंद्रकांत को मारना है, मेरे दोस्त वीरेंद्र को नहीं। मुझे हमला रोकना होगा। मैं ठीक हूँ। हमें फिर से चोट आई, हमारी वजह से। मुसीबत में पड़ने की तुम्हारी आदत नहीं जाएगी ना, और तुम्हारी हमें बचाने की। पर ये हथियारे कौन थे और तुम्हारे पीछे क्यों पड़े थे? तुम यहाँ अकेली क्यों आई हो? हम तो तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ आए थे। मुझे क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते कि तुम जाओ। लेकिन अब तुम्हारा जाना जरूरी हो गया है। चले जाओ वीरू, इससे पहले कि तुम दोबारा हमारी वजह से मुसीबत में पड़ जाओ। तुम जाओ। नाम तेरा मुझसे जन्मों से है जुड़ा, तेरे बिन अधूरी है अपनी दास्तां। इश्क हमसे खुद है जन्मों से राबता, बिन तेरे अधूरी है अपनी दास्तां। की चाबी तुम यहीं रुकना, मैं एक जरूरी काम करके आता हूँ। कैसा काम? आकर बताता हूँ, बहुत कुछ बताना है तुम्हें। यहीं रुकना, मैं वापस आऊंगा तुम्हारे लिए। मेरे सब्र का और इम्तिहान मत लो, जल्दी से इस कुंजी को रक्त व्रण कर दो, फिर ये हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाएगी। Thank you.
तुम्हें मुक्त करता हूं, मुक्त करता हूं। धन्यवाद धन्यवाद वीरू धन्यवाद। सियाली परम, मैं आजाद हो गया सियाली, आखिरकार हमारे प्रेम की जीत हुई। हाँ परम, 100 वर्षों के इंतजार के बाद हमारे मिलन की घड़ी आई है। और इसके साथ ही यक्ष महल के अस्तित्व का उद्देश्य भी पूरा हो गया। वो है हमारी राजकुमारी। राजकुमारी जी, राजकुमारी जी आप ठीक तो है ना? कहाँ है वो हमलावर? हम उसे छोड़ेंगे नहीं। कहाँ है? हमारे सामने आ। राजकुमारी जी आप ठीक है ना? नाजिम बोल रहा था आप पर किसी ने हमला कर दिया। किसने हमला किया आप पर? आप हमें बताइए। नहीं हम वो यहां से निकलना होगा। ये जगह सुरक्षित नहीं है, हमें जल्द से जल्द यहां से निकलना चाहिए। लेकिन हमें यही रुकना है। नहीं राजकुमारी जी, हम और कोई खतरा नहीं मोल ले सकते हैं। अब चलिए चलिए राजकुमारी जी चलिए। यही रुकना, मैं वापस आऊंगा तुम्हारे लिए। तुम यहाँ? ये देखो बद्री, मैंने तिलिस्म की चाबी को हासिल कर लिया है। एक काम करो, इसे चुनाव कर लेकर जाओ पिताजी के पास। जाओ। तुम साथ नहीं चल रहे? नहीं बद्री, मैं साथ नहीं आ रहा हूँ, मुझे काम है। वीरेंद्र, इस मकसद को हासिल करना था तुम्हें, वो हो चुका है। और क्या काम है तुम्हें यहाँ? मुझे यहाँ किसी से मिलना है बद्री। तुम इसे लेकर चुनाव कर निकलो फौरन। मैं भी वहाँ जल्द पहुँच जाऊंगा। वीरेंद्र, वीरेंद्र, मैं अच्छी तरह जानता हूं ये यहां चंद्रकांत तक ले रुक रहा है। चंद्रकांत लगता है इस तबाही से घबरा कर चली गई। मुझे उसके खेमे में जाना चाहिए, वही होगी। जले की वजह से यह जगह पूरी तरह तबाह होने वाली है, आप लोग यहाँ से लौट जाइए। राजकुमारी जी, ये जगह खतरे से कम। जाओ, तुम दोनों जाओ और राजकुमारी जी के रथ की तैयारी करो। चलिए राजकुमारी जी चलिए, जल्दी चलिए, निकलना होगा। युवराज कुमारी चंद्रकांता, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ दूसरी बार छल करने की? हम आपको इस बार साथ में, सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है युवराज। मैं आपको और देर यहां रुकने नहीं दे सकता। नहीं, आप ये मत समझना कि ये बात यहां खत्म हो गई ना, बल्कि ये बात तो अब शुरू होगी। आपने जो ये छल किया है ना हमारे साथ, ये हम कभी भूलेंगे नहीं। और याद रखिएगा शिवदत्त, दूसरी गलती आप नहीं करता है। युवराज चलिए, युवराज राजकुमारी जी चलिए, चलिए राजकुमारी जी चलिए। न जाने वीरू कहां होगा, उसे कुछ हुआ ना हो
तुम यहीं रुकना, मैं एक जरूरी काम करके आता हूँ, बहुत कुछ बताना है तुम्हें। उसने कहा था कि वो हमसे मिलने वापस आएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमें ढूंढ रहा हो। और राजकुमारी जी, आपकी निगाह किसे ढूंढ रही है? अगर वो अंदर हुआ तो उसका बचना नामुमकिन है। उसने हमारी जान बचाई, हमेशा की तरह एक बार फिर अपनी जान खतरे में डालकर उसने हमारी रक्षा की, और हमारी वजह से ही वो। राजकुमारी जी चलो। दुनिया के किसी भी कोने में तुम रहो, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा चंद्रकांता। नहीं वीरू, यक्ष महल के बाहर आ पाया होगा या नहीं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, बग्गी रोको, हमने कहा रोको। राजकुमारी जी, इस तरह बीच रस्ते में घने जंगल में कारों को रोकने का कारण? हम वीरू की तलाश में वापस यक्ष महल जा रहे हैं। वीरू, मामूली सा लकड़हारा, कैसी बात कर रहे हैं आप राजकुमारी जी? उस लकड़हारे के चलते आप अपनी जान खतरे में डाल। रूर सिंह जी, पहली बात तो वो मामूली नहीं, दूसरी बात उसने एक बार नहीं कई बार हमारी जान बचाई। आज जब उसकी जान खतरे में है तो हम इस तरह मुंह मोड़ कर चले जाएं? राजकुमारी जी देखिए, हम इस वक्त इस जंगल में नहीं रुक सकते हैं, हमें चलना पड़ेगा। चलिए, हम वापस जरूर जाएंगे, देखते हैं कौन रुकता है हमें। तौबा तौबा, आपको रोके आपके दुश्मन, हम तो बस अपना फर्ज निभा रहे। एक सुरक्षा प्रभारी होने के नाते हम बस इतना जानते हैं कि इस वक्त यक्ष महल जाना खतरे से खाली नहीं। हाँ, अगर आप चाहते हैं तो हम इतना कर सकते हैं कि हम अपने अपने कुछ होनहार सैनिकों को उस वीरू के लिए यक्ष महल भेज सकते हैं। वैसे क्रूर सिंह जी का कहना गलत नहीं है राजकुमारी जी। अब मान भी जाइए राजकुमारी जी, आपकी जान हम जोखिम में नहीं डाल सकते। ठीक है, अब नहीं जाएंगे, लेकिन सैनिकों को फौरन रवाना कीजिए, अभी के अभी। आपका हुक्म सर आंखों पर राजकुमारी जी। जल्द से जल्द अपने होनहार सैनिकों के साथ यक्ष महल के लिए रवाना हो जाओ। हुजूर, कहाँ सुनसान वीराने जंगल में एक लकड़हारे के लिए? नहीं, लगता है राजकुमारी जी के हुक्म का पालन ना करने का अंजाम तुम्हें पता नहीं है। हम जाएंगे, ये घोड़े पे बैठे और हम निकलेंगे। बेहतर। राजकुमारी जी, अब जल्द से जल्द हमें भी यहाँ से निकलना चाहिए।
कैसी जंग छिड़ी है मेरे दिलो दिमाग में। क्यों मैं चंद्रकांता के पीछे यूं भागा जा रहा हूं? कैसी कशिश है ये जो मुझे उसकी ओर यूं खींची जा रही है? क्यों मैं उससे मिलना चाहता हूं, उसे छूना चाहता हूं, उससे बात करना चाहता हूं? क्यों? ये पाजेब तो चंद्रकांता की है। जिसकी ये अमानत है वो तो यहां है ही नहीं, तो मैं भी इसे रख कर क्या करूं। नाम तेरा मुझसे जन्मों से है जुड़ा, तेरे बिन अधूरी है अपनी दास्तां। इश्क हमसे खुद है जन्मों से राबता, बिन तेरे अधूरी है अपनी दास्तां। जिन पैरों की अमानत है अब उन्हें पहना भी दो। राजकुमारी जी को इतना उदास हमने पहले कभी नहीं देखा। राजकुमारी जी की उदासी में भी उम्मीद और मायूसी दोनों है। मन ही मन वीरू की सलामती की उम्मीद कर रही है। राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, सुना तुम दोनों ने, कोई हमें पुकार रहा है, कहीं ये वीरू तो नहीं? उसने कहा था वो हमसे जरूर मिलने आएगा, ये वही होगा। रुको, जानते थे वो जरूर आएगा। राजकुमारी जी, उस आग से तो नौगढ़ का सिपाही नजर आता है, पर ये कमबख्त हमारे कारवां के पीछे किस मकसद से आ रहा है? प्रणाम राजकुमारी जी। ये पिटारा यक्ष महल के पास मिला, इसमें राजसी चिन्ह है, ये आपका है, मैं वही देने आया हूँ। हमारा बक्सा यक्ष महल के पास? जी। लाइए, हमें दीजिए। जी नहीं, ये राजकुमारी जी की अमानत है,
और मुझे आदेश मिला है कि मैं इन्हीं को दूं। ये आवाज काली पहाड़ी की रहस्यमयी गुफाओं से आ रही है। सुना है कि वहाँ पर अजीब अजीब मायावी जीव जंतुओं का वास है। राजकुमारी जी, काली पहाड़ी के रहस्यमयी गुफाओं के बारे में, उनके रहस्य के बारे में आज तक कोई भी नहीं जान पाया, और जिसने भी जानने की कोशिश की वो अपनी जान से गया। यहाँ पे रुकना खतरे से खाली नहीं होगा, इसलिए हमें जल्द से जल्द यहाँ से चलना चाहिए। राजकुमारी जी, चले चलिए। बैठाओ राजकुमारी जी को, बैठाओ। तुम्हारी और मेरी किस्मत अब एक दूसरे से जुड़ चुकी है चंद्रकांता। परम, बीते हुए 100 वर्षों में एक पल भी ऐसा नहीं था जब मैंने आपको याद ना किया हो। मैं पत्थर भले ही बन गया था सियाली, लेकिन मेरे दिल की हर धड़कन बस तुम्हारे नाम से ही धड़कती थी। काली पहाड़ी की गुफाओं में आना ही होगा चंद्रकांता। चंद्रकांता जिंदा है? ये कैसे हो सकता है? बद्री ने जरूर इस पर हमला तो किया होगा, फिर ये कैसे बच गई? दिखाओ मुझे। बार बार अपने मकसद को भूलकर उस लड़की की जान बचाने में लगा हुआ है जिसे मैं खत्म करने का हुक्म दे चुका हूं। वीरेंद्र चुनार गढ़ लौट रहा है। महाराज, इसका अर्थ ये है कि वीरेंद्र ने वो तिलिस्म की चाबी हासिल कर ली है, क्योंकि वीरेंद्र कभी भी कोई काम अधूरा छोड़कर नहीं लौटता। आओ मेरे रणवीर, गले से लग जाओ मेरे। आज अपने पराक्रम से तुमने क्षितिज पर चुनारगढ़ का भाग्य लिख दिया। रच दिया है तुमने एक नया इतिहास अपनी वीरता का। बरसों की मेरी साधना, मेरा तप, मेरा बल,
मेरी ऊर्जा को एक नई दिशा दी तुमने। मां ये क्या मजाक है वीरेंद्र, रिस्प की चाबी कहां है? क्या मजाक है वीरेंद्र, तिलिस्म की चाबी कहाँ है? तिलिस्म की चाबी इसके अंदर होनी चाहिए पिताजी। होनी चाहिए थी क्या, मतलब क्या हुआ? बद्री, मैंने तुम्हें वो चाबी संभाल के रखने के लिए कहा था, कहाँ है चाबी? चाबी मैंने इसी बक्से में रखी थी वीरेंद्र। तमाश! तमाश! तिलिस्म की चाबी हासिल करने का दायित्व मैंने तुम्हें सौंपा था वीरेंद्र। बद्री को नहीं, बद्री तुम्हारे इशारों पर काम करता है और अब तुम दोनों मूर्खों की तरह एक दूसरे से सवाल पूछ रहे हो। चाबी तो मैंने हासिल की थी पिताजी, पर मैं समझ नहीं पा रहा कि चाबी है क्यों नहीं। मेरे अनुमान से वो चाबी अनुमान नहीं, प्रमाण चाहिए मुझे। वीरेंद्र, क्या मैं जान सकता हूं कि तुमसे इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? इतनी बड़ी लापरवाही बरतने की तुम्हारी ऐसी कौन सी मजबूरी थी? क्यों वीरेंद्र बोलते क्यों नहीं? क्या था ऐसा जो तुमने मेरे परसों की मेहनत को एक पल में मिट्टी में मिला दिया? कौन सी ऐसी मजबूरी थी कि तुमने सुनारगढ़ के मान सम्मान की प्रतिष्ठा को भी ताक में रख दिया? मुझसे गलती हो गई पिताजी, हो गई पिताजी। गलती नहीं वीरेंद्र, गुनाह है। अगर तुम्हें लज्जा नहीं आ रही तो मैं तुम्हें बताता हूं कि तुमने ये गुनाह उस लड़की चंद्रकांता की वजह से किया। इसकी सजा मिलेगी तुम्हें वीरेंद्र। नायकों का महानायक, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला, यही अर्थ है ना तुम्हारे नाम का? फिर कैसे तुम्हारी इंद्रियों ने धोखा दे दिया? कैसे धोखा दे दिया तुम्हारी इंद्रियों ने? इस दुनिया में अगर सबसे घातक कोई शस्त्र है तो वो है स्त्री सौंदर्य। सुंदर स्त्री का दंश जिसे लग गया वो न जी सकता है और न मर सकता है। एक स्त्री के लिए तुमने मेरे वर्षों की तपस्या को पल में खत्म कर दिया।
गलती थी या गुनाह? गुनाह था ये, गुनाह था ये। मैंने सुना नहीं वीरेंद्र, ये गलती थी या गुनाह? गुनाह था ये पिताजी, गुनाह था, गुनाह था। गुनाह कबूल किया है तो फिर सजा भी कबूल करो। अपने शरीर पर तब तक ये चाबुक बरसाते रहना जब तक सूर्यास्त नहीं हो जाता। इस चाबुक से बने हुए तुम्हारे शरीर पर जख्म तुम्हारा पश्चाताप होंगे और इसके फटकार की ध्वनि होगी मेरा सुकून। स्वागत है आपका चंद्रकांता। प्रणाम पिताजी। महारानी कामिनी पधार रही हैं। राजकुमारी, जैसे ही हमने सुना कि आप लौट आई हैं, तो हमसे तो रहा ही नहीं गया। हमसे गले नहीं मिलेंगी क्या? छोटी माँ, कैसी हैं आप? हम ठीक हैं। और बताइए चंद्रकांता, युवराज शिवदत्त के साथ आपकी मुलाकात कैसी रही? आपके इम्तिहान में वो खरे उतरे ना? अरे, खरे कैसे नहीं उतरेंगे? पूरे एतराफ में जितने भी राज्यवंशी हैं, उन सब में सबसे योग्य युवराज शिवदत्त ही है। आखिरकार तिलिस्म के असली हकदार भी तो वही है। यही बात हम चंद्रकांता के मुंह से सुनना चाहते हैं। तो बोलिए चंद्रकांता, आप युवराज शिवदत्त के विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करेंगी ना? नहीं, नहीं। कभी नहीं, कभी। माफ कीजिए पिताजी, हम युवराज शिवदत्त से विवाह नहीं कर सकते।